हो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। तो गाइस मैं आपको कुछ ऐसी प्रोटिप्स बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग इन मैचों में इजीली विन कर लोगे और गाइस इन मैचों को फर्स्ट आने पर गाइस आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। सो गाइस बहुत सारा फ़ायदा होने का फ़ायदा ये है कि गाइस फर्स्ट आने का गाइस कि आप लोगों को पैसे मिल जाते हैं ढेर सारे। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हम लोग नंबर वन पर आ चुके हैं हमेशा की तरह। और गाइस मैं आपको तीन टिप बताऊंगा, इनका ख्याल रखते हुए गाइस आप लोग यहाँ पर जो है ना सबसे ख़तरनाक खेलने लग जाओगे, यानी कि आप लोग फर्स्ट पर ही आने लग जाओगे। सो हो भी सकता है कुछ थोड़ा सा आपका घटना चांस हो जाए अगर कोई अगर शुरुआत में आपको पहले से ही आउट कर दे। सो गाइस वो आपका है ना जीतने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन गाइस मैं आपको मेरी एक वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए, सो गाइस उन्हीं शॉर्टकट्स की भी मदद लेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको कुछ तीन टिपें बताऊंगा। सो गाइस हमारी पहली जो टिप आती है कि गाइस आप लोगों को जंप करते हैं, अगर आपका साथी भी जंप करेंगे तो आपको रीस्टार्ट नहीं करना है। कई लोग रीस्टार्ट करते हैं, इसके लिए अलग टिप होती है। तो गाइस आपको क्या करना होगा इसके लिए, गाइस जैसे कोई अगर जंप करे तो गाइस आपको अपने उसके साइड में लैंड होना होगा, यानी गाइस उसके साइड में लैंड हो गए जिसके कारण, और गाइस उसके साइड में लैंड होते ही गाइस आप लोगों को अपनी गाड़ी को है ना तेज़ी से चलाना शुरू करना होगा। जी हाँ गाइस तेज़ी से चलाना शुरू कर देना है आपको अपनी गाड़ी को। जिस गाइस अब आपको क्या करना है, बिना कुछ करे हुए गाइस बिना ब्रेक लगाए हुए, यानी कि गाइस अगर कोई जंप करता है तो गाइस आपको उस साइड की तरफ रहकर बिना ब्रेक लगाए, चाहे कितना भी बड़ा मोड़ है आपको गाइस बस ब्रेक नहीं लगाना है। और फिर गाइस आप लोग देखिएगा आप लोग कितने इजीली उससे नंबर वन पहुँच जाओगे। और गाइस आपको एक ईजीली एक टिप बता दें कि आप लोग इस जगह पर आया करो, इस जगह पर सबसे ज़्यादा गाइस आप लोगों को वो मिलेंगे, यानी कि जीतने का चांस ज़्यादा होता है। और गाइस यहाँ पर ये जगह मेरी फेवरेट, तो गाइस आपकी जो भी जगह फेवरेट हो वहीं पर ही आपको अच्छा लगता है, तो गाइस आप लोग वहीं पर खेला करो। सो गाइस ये मैंने आपको पहली टिप बता दी। अब हम लोग दूसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं, पहले हम लोग अपना इनाम ले लें और फिर रेस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारी दूसरी टिप के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। अरे गाइस हो रहा नहीं है, गलती से हो जाता है वो गलती। ओ गाइस देखो गाइस नहीं जंप करेंगे तो गाइस ऐसा हाल हो जाता है। और गाइस अगर मैंने जंप नहीं करा तो फिर भी गाइस मेरे आउट होने के थोड़े चांसेस हो जाए, लेकिन गाइस मैं इन्हें पीछे छोड़ सकता हूँ। और गाइस ये देखो अपने जंप कराने का फ़ायदा, लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रक भैया ये सुधरेंगे नहीं, ये सबसे पहले आकर घुसेंगे अपने पास। तो गाइस हमारी दूसरी टिप के बारे में ये है कि गाइस आप लोगों को है ना ये जो मेरा जो ये कैरेक्टर दिख रहा है घोस्ट, गाइस इसको लेना होगा। स्कल घोस्ट को लेने के लिए गाइस आपको इससे रेस करनी पड़ेगी, इससे ही रेस करोगे। और गाइस इसको हराना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अपने पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और आप मैं मुझे मालूम नहीं रहेगा ये गायब हो जाता है। सो गाइस ये अब अपने पावर का इस्तेमाल करता है तो गायब हो जाता है। और गाइस अगर इसके ऊपर कोई भी पावर इस्तेमाल, यानी कि बम TNT कोई सा भी अगर पावर इस्तेमाल करे, अगर ये अपने पावर का इस्तेमाल करता है तो गाइस सब हार पार हो जाते हैं। और गाइस आप लोगों को अपने साथ कवच भी रखना होगा। ये देखिए वो चमकादड़ आ रहा है, अपन ने उन्हें उसे रखा था। सो गाइस इस कैरेक्टर को रखना पड़ेगा आपको। सो गाइस मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सो गाइस आप लोगों को है ना जब इस कैरेक्टर को चूज़ करने का यही फ़ायदा है गाइस कि आप लोग इजीली गाइस आप लोग इजीली किसी को भी गाइस पीछे छोड़ सकते हो, यानी कि गाइस इसकी जो ये वाली गाड़ी की जो, यानी कि गाइस ये अगर इस कैरेक्टर में गाइस ये एबिलिटी है कि ये गायब हो जाएगा तो गाइस इससे आप लोग बहुत ईजिली बच जाओगे। और गाइस इसके जो एक्सलर अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो तो गाइस आपका एक्सलरेटर है ना पहले से दुगना तेज़ी से वो होगा और आपकी स्पीड भी दुगनी हो जाएगी। सो गाइस इसका ये फ़ायदा है दूसरी टिप। और गाइस तीसरी टिप, सो गाइस तीसरी और आखिरी टिप ये है कि गाइस आप लोगों को है ना इसका इस्तेमाल वो भी करना है जब आप लोग किसी फिनिश लाइन या फिर कोई चमकादड़ वमकादड़ आए, ऐसे कोई रॉकेट से उड़ा है तो मत लो, या फिर कोई ऐसी खतरनाक एबिलिटी ला जाए जैसे कि रिमोट कंट्रोल या और भी कोई ऐसी खतरनाक वो चीज़ें आती है जिससे गाइस आप लोगों को चांस हट जाते हैं, जिसके कारण गाइस आप लोग उस वक्त इसकी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो या कवच भी इस्तेमाल कर सकते हो। और गाइस क्या हो रहा है, you
सो गाइस हमारी तीसरी टिप यही है कि गाइस आप लोगों को इन्हें टाइम पर यूज़ करना पड़ेगा जो ख़तरनाक टाइम आ जाए। ऐसे ये नहीं कि अभी टाइम नहीं आया कि गाइस आप लोग ऐसे यूज़ इस्तेमाल कर रहे हो आगे जाने के लिए। सो गाइस अगर आप लोग आगे जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो गाइस वो गलत बात है, आप लोग बहुत गंदा फंसोगे। एक बार मैंने ऐसा किया तो भाई उस मैच में तो मैं जीत ही नहीं पाया, क्योंकि गाइस पहली मेरी गलती ये थी, अगर मैं उसका इस्तेमाल करता मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगर मुझसे ज़्यादा आगे चले जाए या फिर अगर मैं उसे पीछे छोड़ भी दूँ, लेकिन गाइस अगर उसने मुझे किसी भी बॉक्स से अगर लेकर कोई रॉकेट वॉकेट या कुछ भी मारा तो गाइस मुझे तो भैया गाइस फिर बहुत तो वो हो जाए। सो गाइस इसलिए मैं कभी गाइस में वो नहीं होता, कभी गाइस मुझे ये अपनी गलत टाइम पर यूज़ नहीं करना है। जब गाइस सही टाइम आएगा तभी इस्तेमाल करना होगा। और गाइस ये देखिए ये चमकादार बहुत गंदा मारेंगे, इसलिए गाइस मैंने अभी इस्तेमाल कर लिया। और गाइस अगर कवच मिला तो अच्छा लग होगा। सो गाइस अभी अपने पास डर की बात है, क्योंकि अगर मुझे कवच ना मिला ना सो गाइस अपने ऊपर अभी बहुत खतरा मंडरा रहा है। अभी कवच हो जाए तो गाइस बात बन जाए। सो गाइस मैंने आपको तीन टिपें बता दिया, अब गाइस आप लोग देखिए इन तीनों टिप की मदद से मैं कितनी इजीली विन कर रहा हूँ आपके सामने। गाइस मैं उन्हीं टिप्स का मदद ले रहा हूँ। और गाइस हाँ एक अलग से बात बता रहा हूँ, ये टिप नहीं है कि गाइस आप लोग ज़्यादा शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करा करो। ये देखो पहले मैं इस शॉर्टकट को देखा नहीं था लेकिन अब देख लिया है। और गाइस अपन को पहले पड़ गया लेकिन गाइस हम लोग जैसे तैसे जीत गए। सो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करते होंगे कि गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।